सभी लोग वो क्लेम कर देते हैं कि हाँ मेरी कोचिंग से किया, मेरी कोचिंग से किया। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए 9th 10th की, शाम को जो फील किए हो, रात में आपके साथ ब्रेकअप हो गया हो, जो भी आप बाल गिरा हुआ देख रहे हैं, सब उसका ही परिणाम है। थोड़ा सा आपका दिमाग उस टाइम थोड़ा सा इधर उधर हुआ, डीआई गलत हुआ, 36 नंबर का गलत हो गया, प्रेस से बाहर। कुछ दिन पहले 69 डीपीएससी का रिजल्ट आया है एंड उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार बाजी मारी है, तो उनसे बातें करते हैं उनके जर्नी के बारे में एंड क्या कुछ निकल के आता है बहुत अच्छा आउटपुट, वो सब हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयां आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो मेरा नाम साहिल कुमार है, मैं बिहार के सारण जिले के निवासी हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की शिक्षा बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों से प्राप्त की, हिंदी मीडियम से, और उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन BHU से किया 2022 में इतिहास प्रतिष्ठा में। पिछले 2 वर्षों से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 2.5 वर्ष हो गए लगभग, और साथ में न्यू दिल्ली से प्रिपरेशन, वो भी अपना PG भी कर रहा हूँ। जो प्रिपरेशन है ये BPSC का मेरा पहला प्रयास था, UPSC में मेरा दूसरा प्रयास था जहाँ मैंने इस बार मेंस दिया। अच्छा, इस बार लिखा है मेंस। जी बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। ओके, क्या रैंक रहा इस बार आपका? 154th रैंक है। 154 जी। एंड किस पोस्ट के लिए आप चयनित हुए हैं? रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट। रेवेन्यू ऑफिसर, ओके ग्रेट। तो सबसे पहले हम आपके एकेडमिक्स बातें कर लेते हैं, क्या एकेडमिक्स रहा है आपका? 12th तक जैसे मैंने बताया विभिन्न सार्वजनिक स्कूलों से पढ़ाई की। 10th के बाद चूंकि मेरा साइंस में उतना इंटरेस्ट था नहीं, साइंस और मैथ्स में, तो सब्जेक्ट क्या रखा था आपने 12th में? जी, तो उसमें मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था, जियोग्राफी था और पॉलिटिकल साइंस था। यहाँ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पटना में, राजेंद्र नगर में, वहीं से 12th किया और उसके बाद ग्रेजुएट एडमिशन हुआ BHU में, जहाँ मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था सब्जेक्ट और साथ में पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट था। ओके, क्या मार्क्स रहे आपका 10th में, कितने मार्क्स रहे हैं जी? 12th में क्या परसेंटेज रहे थे? इस चीज़ में आपको राइट चॉइसेस का महत्व पता चलेगा मेरे मार्क्स देख के। 10th में मेरे मार्क्स थे 313, अगर मैं याद ठीक है, 313 हाँ, यानी 62.6% के आसपास थे। और फिर मैं वहाँ से मूव किया और आर्ट्स में आया और मेरे मार्क्स 429 हो गए। 429 85.8% क्योंकि हम ज्यादातर तैयारी में लगे हुए थे और तैयारी का खैर उस टाइम नहीं हो पाता अच्छे से, पर फिर भी आप समझ रहे हैं कॉलेज का दौर है तो वो थोड़ा सा टाइम पास, थोड़ी सी ये चीजें, थोड़ी सी पढ़ाई और मतलब काफ़ी औसत गया, वो कोविड का टाइम वहीं गया था, तो 8 CGPA लगभग बन गए, 75% 74% के आसपास समथिंग ये रिकॉर्ड रहा है। ओके, पढ़ाई में कैसे रुचि होती थी इस प्रारंभिक में, जो भी आप 8th 9th 10th में थे, 12th में थे, कैसा रुचि कैसा बना रहता था? 9वीं तक मैं कहूँगा कि कुछ खास रुचि थी नहीं, क्योंकि गाँव रहते थे, पटना आए नहीं थे तब, तो ऐसा कुछ था नहीं। बस न्यूज़पेपर एक अच्छी चीज़ थी कि जैसे गांव में जहाँ आप चाय वाय पे सभी लोग बैठते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो वहाँ पेपर वगैरह का चलन चलता है, क्या पॉलिटिक्स पे बात चल रही, तो वहाँ से बस एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत मुझे गाँव में मिल गई, वो एक अच्छी चीज़ थी। तो मैं 6th 7th के बाद से कम से कम फोटोज़ वगैरह देखा करता था न्यूज़पेपर में और पलटा करता था, तो ये था। और उसके बाद 10th के बाद चीज़ें हुई उस अकॉर्डिंग। किस टाइप के न्यूज़ आप पसंद करते, जैसे कि बच्चे में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, उसे फोटो कटिंग्स करना, तो आपका किस तरफ ज़्यादा रुचि था? अब मतलब शुरुआती टाइम में जब जैसे सार्वजनिक स्कूलों से जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आज तो स्थिति काफ़ी सुधर गई बिहार सरकार के और अन्य सरकारों के प्रयास से, पर पहले काफ़ी स्थितियाँ खराब थी, तो हमें बेसिक साक्षरता जो होती है वो घर से ही मिलती थी। अच्छा। तो उतना मतलब इन चीज़ों का आइडिया था नहीं, बस हम लोग फोटो पे जैसे कुछ एक दो दोस्त थे, फोटोज वगैरह देखा करते थे कि क्या चल रहा है और उससे समझने की कोशिश करते थे। मुझे याद आता है पहला न्यूज़पेपर जब मैंने देखा था तो वो निर्भया गैंगरेप जो हुआ था, वहाँ का पूरा कटिंग था पेज का, तो वहाँ से धीरे धीरे करंट अफेयर्स या ये सब देखने की शुरुआत। समझ गया मतलब फोटोज आप देखा, वहाँ से प्रोसेसिंग शुरू हुई। अच्छा, ओके, तो कुछ फोटोग्राफी वगैरह में भी इंटरेस्ट था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब वो बचपन की एक क्यूरियोसिटी जो बच्चे की होती है कि आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। ठीक है, एंड BPSC का कीड़ा कब लगा? मैं कहूंगा कि UPSC का लगा। हाँ, UPSC का। वही 6th 7th का जब न्यूज़पेपर इंसान पढ़ रहा था तो देख रहा था कि DM के लगातार उस पर, कभी सारण में कुछ हो गया हमारे गृह जिला में, कभी कुछ हो गया तो उस पर SP के DM के कमेंट्स आ रहे हैं, उनके वो हो रहा है, तो वहाँ से कुछ जैसे मेरे भैया थे गितेश भैया, तो वो बात करते थे इन चीज़ों के बारे में, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ा आइडिया था कि ये होता है। और एम्बेसडर गाड़ी का तो बहुत वो था, तो वो एक था, पर वो इमेच्योरिटी थी मैं कहूँगा। 12th के बाद जब ग्रेजुएशन में गया मैं, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगी कैसे
कैसे क्या करना है, पर असल तैयारी मैं 26 मई को आया था यहाँ पटना। अच्छा। वहाँ से ग्रेजुएशन पूरा होके और 26 मई को, और देखिए ये देखिए आप कि 26 नवंबर को ही रिजल्ट आया। अच्छा। तो 2 साल 6 महीने पूरे पूरे लगे और रिजल्ट आया। अच्छा, क्या आकर्षण केंद्र क्या बनता है आपका जब आप सोचते हैं बीपीएससी, मतलब क्या अट्रैक्ट करता है आपको? जी दो चीज़ें हैं, एक तो पहला कि अनिवार्यता जो होती है हमारी, जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग आते हैं ज़्यादातर इंग्लिश स्ट्रांग होती नहीं है हमारी, तो और प्रोफेशनल कोर्सेज का आप उतना इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। तो आप अगर आर्ट्स की तरफ चले गए और इन सब्जेक्ट्स की तरफ चले गए तो या तो आपके पास फिर रिसर्च में जाओ आप, उधर एक ऑप्शन है, और या तो फिर गवर्नमेंट जॉब में जाओ। यही दो अच्छे ऑप्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो ये कारण था, और एक ये जो आपकी मजबूरी हो जाती है वो जो प्राथमिक कारण बनता है। दूसरा कारण जो आपके बचपन की प्राथमिकताएं थी, जो आपने बचपन में ख्वाब देखा था जिस चीज के लिए, जिस क्षेत्र में आपको काम करना था, उस क्षेत्र में अगर काम करने का मौका मिलेगा किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो ये दो चीजें होती हैं मेरे पीछे, तो यही दोनों थी। 2.5 साल आप बोल रहे हैं कि आप तैयारी की आपने, तो आज जाकर के रिजल्ट है, तो 2.5 साल में आपने अपनी पढ़ाई कैसे की, डेली आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कैसे रूटीन को सेट करते थे, क्या टारगेट्स आप रखते थे, वो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। एक बहुत फेमस कोट है कि रिवोल्यूशन इज सम टोटल ऑफ इवोल्यूशंस, यानी कि थोड़ी थोड़ी जो स्टेप्स होते हैं उसमें, तो 2.5 साल की जैसे आपने बात करी, इसमें कई असफलताएं कई सफलताएं आई, बहुत चीजें उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसमें मैटर ये करता है कि आप हर सुबह उठें, जैसे मैं लाइब्रेरी जाता था। अच्छा। तो आप लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी जाएं, लाइब्रेरी नहीं जाना है अगर आप अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी रूम में बैठे, पर अच्छी चीज ये होनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी का जो की होता है, जैसे ज्यादातर टॉपर्स बोलते हैं कि आपको हर सुबह, चाहे आप शाम को जो फील किए हो, रात में आपके साथ ब्रेकअप हो गया हो, कुछ भी हो गया, अगली सुबह जब आप बैठ रहे हैं तो आपका फोन साइड में होना चाहिए और आप अपने बेड पे कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बैठे होने चाहिए। दूसरी चीज रेक्टिफिकेशन की एक जो बात होती है, जैसे अगर आप मान लीजिए गलत दिशा में चलते जा रहे हैं, तो उस दिशा में अगर आप बढ़ते चले जाएंगे मेहनत के साथ भी, तो वो आप गलत दिशा में चले जाएंगे बिल्कुल। तो गलत खुद को पहचानिए, जैसे इसमें PYQ और जो आपका सिलेबस है ये काफी मदद कर सकता है, तो आप देखें कि कहीं आप गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, PYQ आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, अगर वो हो पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप सही दिशा में हैं, तो कंसिस्टेंसी, रेक्टिफिकेशन और सैक्रिफाइसेस, ये तीन चीज आपकी सक्सेस को मुझे लगता है कि इंश्योर कर देंगे। ओके, आपका क्या रूटीन है, जैसे सुबह में आपने बोलते थे आप लाइब्रेरी जाते थे, सुबह से आप पढ़ाई शुरू कर देते, तो डेली का क्या रूटीन होता, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, किस सब्जेक्ट्स को आप कितना टाइम देते हो, वो थोड़ा बताइए। मैं अपनी दीदी के साथ रहता हूँ। अच्छा। तो मेरा खाने बनाने वगैरह का ये सब का दिक्कत नहीं था, तो मैं जब रहता था वहाँ लाइब्रेरी, जब मैं ज्वाइन करता था, जैसे अभी हम लोग रूम चेंज कर लिए, पर जहाँ रहते थे, तो वहाँ मैं सुबह 6:30 के आसपास उठता था। ओके। और 7 बजे के आसपास वैसे ही चला जाता था ब्रश वगैरह करके लाइब्रेरी, और 10 बजे के आसपास आता था फिर, और ब्रेकफास्ट वगैरह जो हुआ वो किया, और फिर लाइब्रेरी लौट के, बगल में ही था लाइब्रेरी हमारे, तो वहाँ फिर 2 बजे तक पढ़ा, और 2 बजे के पास फिर लौटा, फिर लंच वगैरह जो होना था हुआ, कुछ खाना था कुछ खा लिया, थोड़ा मोड़ा मूड फ्रेश कर लिया, 3 बजे तक फिर पहुँचे, फिर वहाँ से 6-7 बजे तक अपना लौटे, गए कुछ मार्केटिंग वगैरह करनी थी वो किए। तो इससे क्या होता है कि एक लगातार आप नहीं बैठ रहे हैं, तो मेरा लगभग 3-3, 6 और 4-10 मतलब 9 से 10 घंटे का एवरेज निकल जाता था, उसमें आधे घंटे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं सभी को होते हैं वो छोड़ दीजिए, पर 8 घंटे इफेक्टिवली लगभग निकल जाते थे वो, और साथ में जो रिफ्रेशमेंट हो जाती थी, इसके कारण पूरा रूटीन ठीक ठाक चला। ठीक है, बेसिकली प्री के लिए मेंस के लिए सब डेडिकेटेड इकट्ठा ही तैयारी करते थे या फिर डिस्टेंस यूज करके? अच्छा, इस बारे में जैसे मैंने बताया कि मैं पहले यूपीएससी प्रिपरेशन करता था। हाँ। तो 2022 से जब मैंने मई से शुरुआत की तैयारी की, तो पहले मैंने इंटीग्रेटेड तैयारी शुरू की दोनों चीजों की, क्या प्री और मेंस, क्योंकि मेरे पास 1 साल का वक्त था, मेरी एज उस टाइम थी नहीं देने की, तो मैं 23 में अटेम्प्ट दे नहीं सकता था, तो मुझे 22 में अटेम्प्ट दे नहीं सकता था, तो 23 में देना था, 1 साल का टाइम था, मैंने सोचा कि करीब करीब 8 महीने आप इंटीग्रेटेड पढ़ लो, उसके बाद प्री का देखेंगे, तो मैंने शुरुआत में वैसे तैयारी इंटीग्रेटेड शुरू की, और उसके बाद से जैसे प्री में मेरा 64 मार्क्स था, 66 कट ऑफ गया था AWS का 2023 में, तो उस टाइम प्री हुआ नहीं, तो उसके बाद जो वक्त मिला बीच में, तो एक CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है वो दिया, और BPSC की तैयारी की थोड़ी सी, तो फॉर्चुनेटली BPSC भी हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट वाला थोड़ा सा इंटरव्यू गड़बड़ हो गया, उसकी हम बात करेंगे आगे। ओके, जब आप बात छेड़ी दी है तो बता ही दीजिए क्या गड़बड़ी हुई थी। उसमें जैसे एक तो रिटेन हो जाता, उसके बाद फिर फिजिकल मेडिकल्स होते हैं, तो फिजिकल भी हो गया कैसे कैसे, 3 वहां जैसे 12 फुट आपको लॉन्ग जंप करना होता है, तो मैं 2 बार फेल हो गया, 3री बार में मेरा कैसे कैसे हुआ, मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट मान रहा था कि मेरा मेंस भी अच्छा गया, मेरा DI में बहुत डर लगता था, DI मेरे सारे सही थे, मेरा फिजिकल भी हो गया, तो कोई ना कोई एक जॉब लग जानी है, ये मैं आशा के साथ चल रहा था। इंटरव्यू का शेड्यूल आया 4 जून को, इंटरव्यू था मेरा, और 4 जून को ही लोकसभा के रिजल्ट आ रहे थे। अच्छा। तो एक अलग घबराहट थी कहीं बोर्ड मेंबर्स का ध्यान उधर ना चला जाए,
हुआ भी कुछ ऐसा ही शायद, शीलवर्धन सर का बोर्ड था, बिहार कैडर के ही आईपीएस रहे हैं वो, और मेरे पहले जो कैंडिडेट थे उनका बैकग्राउंड हिंदी साहित्य का ही था। अच्छा, तो अब वहां से जिनके हिंदी साहित्य का क्वेश्चंस खत्म किए उनसे, मेरे से वहीं के से क्वेश्चन शुरू हो गए। अच्छा। रामधारी सिंह दिनकर के बताइए, तो थोड़ा थोड़ा उस बारे में आइडिया था, पर उसके बाद वो लोग बहुत डीप चले गए साहित्य में, तो मैं लगातार 18 मिनट करीब करीब सॉरी 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 सर सॉरी सर सॉरी सर बोलता रहा, पर मुझे लगता है कि उतने खराब मार्क्स भी नहीं मिले, 87 मार्क्स मिले, पर रेटिंग में मेरे अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कम मार्क्स रह गए थे। तो मेरी जैसा मैंने बताया इंग्लिश मीडियम के ज़्यादातर छात्र वो कर पाते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ इशू हो गया, वहाँ फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जो भी अब बाल गिरा हुआ देख रहे हैं सब उसका ही परिणाम है कि स्ट्रेस इतना हो जाता है उसके बाद, पर बीपीएससी ने संभाल दिया। अच्छा, तो थोड़ा घबराहट, जैसे कि आपने सीएपीएफ में फेल हुआ देखा आपने, और आपने फिर एक बीपीएससी भी दिया उसमें भी आपने फेलियर देखा, यूपीएससी, हाँ सॉरी, हाँ यूपीएससी दिया आपने जिसमें भी आपके कटअप से आप पीछे रह गए, तो थोड़ा घबराहट थी कि यार हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों पर क्या होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, कुछ सब ऐसा डर था। और यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा रहता, बीपीएससी में फिर भी क्योंकि 68 में थोड़ा सा हुआ था कि हिंदी मीडियम वालों का ज्यादा सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट काफी अच्छा। यूपीएससी में एक रहता ही है काफी, प्री में भी आपको सीसेट का जो पेपर होता है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि अनुवाद वगैरह का इशू रहता है, पर वो फिर भी अब मेंस में काफी ज्यादा इशू है, जैसे GS3 GS4 में हिंदी मीडियम वालों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, तो वहाँ ये इशू था। और बीपीएससी में ये चीज थोड़ा सा कम है कि आप अगर अच्छा लिख पाते हैं और अच्छा बोल पाते हैं इंटरव्यू में तो आपको डिसेंट मार्क्स मिल जाएंगे, तो हिंदी मीडियम का बीपीएससी में उतना दिक्कत नहीं होता। आपने हिंदी माध्यम में आपने आंसर किया, यंग एज हैं आप, तो टेक्नोलॉजी का कुछ इस्तेमाल किया है आपने अपने प्रिपरेशन जर्नी में, कुछ किया है तो बताइए। जैसा मैंने शायद मेंशन नहीं किया, मैं अभी तक मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, जो भी की है जो भी बात हो रही है जैसे मार्केट में, तो वो टेस्ट सीरीज ज्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं किसी माध्यम से या मॉक इंटरव्यू ज्वाइन कर लिया, तो सभी लोग वो क्लेम कर देते हैं कि हाँ मेरी कोचिंग से किया, मेरी कोचिंग से किया, पर वो असल बात नहीं है। ज्यादातर लोग जो हमारे साथी हैं, 356-350 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें से ज्यादातर जो छात्र हैं लगभग किसी ने कोचिंग नहीं की है, बाहर से आप अपनी हेल्प लीजिए। तो मैंने बताया आपने टेक्नोलॉजी की बात की, मैंने टेलीग्राम की काफी मदद ली इस बार। टेलीग्राम कुछ चैनल सजेस्ट करिए बताइए। जैसे यूपीएससी का PYQ का एक चैनल है, वो मैं लिंक दे दूंगा आपको, दे दीजिए। वो भैया काफी मतलब मेहनत करते हैं, उन्होंने पूरा लगभग 20 साल के सीएससी के PYQ, CDS के, CAPF के, BPSC के, UPPCS के, उत्तराखंड PCS के, MPPCS के, सभी PCS के यूपीएससी क्वेश्चन कंपाइल कर रखे हैं। तो उससे क्या होता है कि आप फ्री टाइम में जब भी मान लीजिए आप लंच कर रहे हैं या बोर हैं कभी, तो वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो वो चीज हो गई, दूसरी चीज बीपीएससी नेटवर्क करके एक ग्रुप है, तो उन्होंने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी थी मुझे, वहां मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, काफी कम दाम में प्रोवाइड करते हैं। मैंने अपनी जब उनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थितियां बताई तो उन्होंने बोला ठीक है यार, मतलब देख लेंगे हम लोग, तो वो हो गया। तो वहाँ वो चीज़ काफ़ी मदद करती है कि जब आपके पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं है तो आप नोट्स जो होते हैं, PDF होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, कोई अच्छा, कई बार जैसे काफ़ी अच्छे दोस्त मिल जाते हैं आपको उस ग्रुप के हिसाब से, उस ग्रुप में, तो ये चीज़ आजमाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, मैं कहूँगा उसका फ़ायदा उठाइए, जो टेक्नोलॉजी अगर आपके पास है उसका फ़ायदा उठाइए, बाकी यूट्यूब वगैरह तो हैं। तो जितने भी टेलीग्राम चैनल इन्होंने यूज़ किया होगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यूट्यूब में आप कौन कौन से चैनल को प्रेफर किए अपने प्रोफेशन में? यहाँ थोड़ा सा बहुत डाइवर्जन है, जैसे ज़्यादातर लोग जो होते हैं मतलब आप बचिए यूट्यूब के ज़्यादा इस्तेमाल से, आप उससे ज़्यादा टेलीग्राम का इस्तेमाल कीजिए। यूट्यूब पे क्या है कि कंटेंट की क्वालिटी जो है वो मुझे बहुत मतलब इम्प्रोवाइज लगती है, आप वहाँ काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। अच्छा, तो जल्दी से शॉर्ट में 4 घंटे में पूरा पॉलिटी पढ़ा देंगे, आप 4 घंटे में आप क्या ही पॉलिटी समझ पाओगे, पर जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं कम से कम वहाँ, जैसे Study IQ हो गया या डेली और चीज़ें जो जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सुमित सर हैं PW के, वो काफ़ी एनालिसिस अच्छा प्रदान करते हैं, कोई भी आप देखिए जो आपको अच्छा लगता है, पर ये ना हो कि आप अपने लाइफ का 4 से 5 घंटे तैयारी का यूट्यूब को दें, कम से कम वहाँ बचें, बाकी देख लें अपने अनुसार, पर ये मेरा सुझाव है कि आप YouTube के अधिकतम इस्तेमाल से बचें थोड़ा सा। मतलब आपके अकॉर्डिंग आप करंट अफेयर्स को लेकर के आप YouTube पे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जा सकते हैं। हाँ। अगर आपको स्टैटिक भी कोई पोर्शन समझ में नहीं है, जैसे मैथ्स वगैरह का पोर्शन नहीं समझ में आया, आप जा सकते हैं। पर YouTube के जैसे पॉलिटी का वीडियो हो गया कि आप 4 घंटे में मैराथन देख के आप सोच लेंगे कि मेरा पूरा पॉलिटी खत्म हो गया, वहाँ थोड़ी सी मुश्किल, खासकर मेंस में, प्री में अगर फिर भी आप समझ लें, मेंस में बहुत दिक्कत। मतलब कोर सब्जेक्ट के लिए आपको बुक्स पे रेफर कीजिए, जहाँ बुक्स में नहीं समझ में आ रहा है वहाँ हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल, ओके, हम बीपीएससी के सिलेबस पे स्टिक रहते हैं। एंड आप बताइए कौन कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़नी चाहिए एक
जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करेंगे या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? आप सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बताइए हमें। इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे अगर आप 70वीं दे रहे हैं या इस बार प्रिलिम्स देने वाले हैं तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज जो आप फॉलो कर रहे हैं प्लीज उसे फॉलो करिए। अब 5 दिन बचे हैं, सही बात है। तो अब उसमें उनके लिए 70वीं पीएससी के लिए नहीं है, जो आगे करेंगे तो दो चीज़ें उसमें भी, अगर 71वीं 72वीं आप दे रहे हैं तो लगभग आपके पास 1 से 2 साल है उस अनुसार जैसे आप अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग जो जितने छात्र हैं वो बीपीएससी के बाद यूपीएससी की ही तैयारी करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड रिसोर्स बढ़ा के यूपीएससी कहीं क्यों ना पढ़े, क्योंकि प्री का स्तर जैसा होता जा रहा है धीरे धीरे exactly. वहां आपको काफी मदद होगी वो। तो अगर आप जैसे लक्ष्मीकांत है तो वो आपको बीपीएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा, वहां के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी के लिए भी आप वो उठा लें। इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा है कि इकोनॉमिक्स के लिए जैसे मैंने मृणाल सर की नोट्स पढ़ी थी, पर वो थोड़ी सी बल्की हो जाती है, बहुत ज्यादा बल्की है, वो 1200-1300 पेज की है। पर अगर आप यूपीएससी का सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मान रहे हैं कि 71वीं मैं दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर मैं यूपीएससी दूँ, अगर इस हिसाब से चल रहे हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए, मृणाल सर को। जो ज्योग्राफी है अगर उसमें आप एनसीईआरटी हिंदी मीडियम से समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप समझिए। मैं हिंदी मीडियम में नहीं समझ पाता था ज्योग्राफी, तो मैं दृष्टि की क्विक बुक आती है, 2-3 सब्जेक्ट्स की आती है, वो जैसे इन्वायरमेंट का कोई अच्छा सोर्स नहीं हिंदी मीडियम, तो आप दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो उसको छोड़ने से अच्छा है कि वो पतली से क्विक बुक आप 300 पन्ने की पढ़ के आप 10 में से कम 6-7 पहुंच जाएं, बिल्कुल वहां वो हो जाएगा। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए 9th-10th की, प्लीज पढ़िए वो। अगर नहीं भी समझ में आया तो जैसे मैंने, मुझे नहीं समझ में आया, हिंदी में बहुत इश्यूज होते हैं इसमें, तो आप 1-2 बार देख लीजिए कम से कम कि आपको एक कम से कम वो एहसास ना हो कि कहीं कुछ छूट रहा है। और उसके बाद दृष्टि की जो क्विक बुक आती है उसमें क्या है ना कि एक तो सारे पॉइंट्स मेंशनड है, और उसके बाद प्री और मेंस के दोनों क्वेश्चंस जो भी पीसीएस में या यूपीएससी में पूछे हुए उनका कंपाइलेशन पीछे रहता है, तो आप देख के उसका फायदा ले सकते हैं। ओके, एंड इंटरव्यू के लेकर के आपको क्या गाइडेंस होगा जो आपने एक्सपीरियंस किया है इस बार? जी, इंटरव्यू में काफ़ी कुछ लक पे डिपेंड करता है, इंटरव्यू में ही नहीं, मैं कहूँगा कि प्री मेंस पे भी। इस चीज़ को ज़्यादा पर्सनली नहीं लें अपने फेलियर्स को जैसा मैंने लिया, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ वो है। जैसे इस बार जो 69 में मेरे सिलेक्टेड दोस्त हैं सभी लोग नर्वस हैं लगभग 70th को लेके, क्या होने वाला किसी को नहीं पता, क्योंकि आपके 2-3 गलत चॉइसेस आपको कट ऑफ से बाहर कर देंगे, किसी को नहीं पता। मेंस में भी वही है, मेंस में अगर आपका दिन अच्छा है, थोड़ा सा आपने डीआई पढ़ते, सभी लोग डीआई ठीक से हैं, पर अगर थोड़ा सा आपका दिमाग उस टाइम थोड़ा सा इधर उधर हुआ, डीआई गलत हुआ, 36 नंबर का गलत हो गया, प्रेस से बाहर। तो ये चीज है इंटरव्यू में, ये चीज फिर यहाँ हुई मेरे साथ। 15 अक्टूबर को वहां भी मंगलवार था, यहाँ भी मंगलवार था, तो यहाँ दिन होता है पता नहीं है। तो यहाँ यादव सर का बोर्ड था, 15 अक्टूबर को पहले ही दिन था मेरा इंटरव्यू, और इंटरव्यू मेरा काफ़ी औसत गया। जैसे ज़्यादातर उसमें से एक लग रहा था मुझे बीएचयू से थे, तो उन्होंने बीएचयू में से काफ़ी डिटेल्स के क्वेश्चन पूछे, कौन है आपका एचओडी, कौन है ये, वहाँ के पहले वीसी कौन थे, ये सारी डिटेल्स। और जो और सर थे उसमें 2-3 लोग काफ़ी अच्छे थे, मतलब बोर्ड काफ़ी अच्छा था, पर मेरे से कुछ गलतियाँ हुई, जैसे मुझे लग रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा, क्या होता है कि जब आप इंटरव्यू में इतनी चीज़ों के बैकग्राउंड के बाद जाते हो तो आपको पूरा जीवन एक साथ दिखने लगता है वहाँ कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। अगर यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो फिर अब 70वीं के चक्कर में 1 साल बर्बाद होगा, 1 साल तक कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो वो पूरा उसके कारण थोड़ा सा नर्वसनेस आ गई, और 1-2 जैसे पानी उन्होंने ऑफर किया था मुझे, बोले कि आप नर्वस हो, बोला सर थोड़ा सा, तो बोले कि ठीक है पानी पी लीजिए, बोले नो सर थैंक यू। तो फिर सारे मेंबर्स बोले अरे पी लीजिए पी लीजिए, तो फिर मना करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि सारे सीनियर्स, मैं बोला पी लूँ, पी लिया। उसके बाद ये वो हो गया, पर ये गलती नहीं थी, पर हो सकता है मुझे लगा कि ये कहीं नकारात्मक छवि मेरी ना पेश कर दे। और फिर निकलते टाइम यहाँ गेट थोड़ा सा बीपीएससी में उस टाइप का रहता है, ट्रेडिशनल टाइप का, तो वो ऐसे पुल करना होता है दोनों पकड़ के, मुझे लगा पुश करने वाला है, तो मैंने पुश कर दी। 1-2 ये गलतियां हुई थी, और एक वर्ड होता है हिंदी में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी 1929 में, वो मैं वर्ड ही नहीं याद कर पा रहा था, तो 26 जनवरी को वो होने वाला था उसके लिए। तो ये 2-3 गड़बड़ियां हुई थी मेरे से, तो मुझे लगा कि इंटरव्यू में काफी औसत मार्क्स होंगे, और मेंस अच्छा गया था, तो मुझे लगा कि मेंस में चलो अच्छे स्कोर होंगे, ऐसे मेरा बहुत अच्छा गया था, तो ऐसे पे मेरा कॉन्फिडेंस था, तो चलो कोई नहीं इधर 70-75 भी दे देंगे तो काम चल जाएगा। पर अभी रिजल्ट आया तो कट ऑफ इतनी हाई गई है, तो पर अच्छे मार्क्स थे इंटरव्यू में मेरे, 87 मार्क्स मिले हैं, डिसेंट काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, पर देखते हैं वो किस चीज़ क्या देख के दिए मुझे भी नहीं पता। अब उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को देख के दिया, क्या देख के दिया, पर जो भी दिया 87 मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली ओके, जैसे कि ये सब तो मिक्सचर है, जैसे कि एक लक भी फैक्टर है, बिल्कुल मेहनत भी फैक्टर है, बिल्कुल जब सब चीज़ें एक आपके लिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाती है तब जाकर आपका रिजल्ट होता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी इन सारी लक को फैक्टर को सबको हटा करके हम बातें करते हैं कि एक जेन्यून बीपीएससी एस्पिरेंट्स कैसे पढ़ाई करे कि उसका रिजल्ट हो सकता है। जैसा मैंने 3 स्टेप बताया, वही 3 स्टेप अगर आप मतलब ईमानदारी से फॉलो करते हैं, आप सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप में, कोई भी आप पे कुछ भी बीत रही हो, आपको हर दिन अपने स्टडी टेबल पे या अपने लाइब्रेरी जाना है,
वहाँ ईमानदारी से जो भी आपसे होता है 5, 6, 7 घंटे, 8 घंटे हो सकता है, कई दिन बहुत बुरे होते हैं जहाँ हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो ठीक है वहाँ कोई बात नहीं, पर आप कोशिश कीजिए कि आप जितना कंसिस्टेंट रह सकें। वो रेक्टिफिकेशन की मैंने बात की, अगर आपसे कोई भी गलती हो रही है तो आप अपने सीनियर से बताइए, आप अपने सीनियर से बात कीजिए, कोई सीनियर नहीं है तो अपने बैचमेट से बात कीजिए, बैचमेट से नहीं बात कीजिए तो कई बार हमें खुद एहसास होता है, हमारी अंतरात्मा की क्षमता इतनी है कि हम जान पाते कि हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, वहां आप वो चीज कीजिए। और तीसरी चीज जो मैंने बात की सैक्रिफाइसेस की, कई बार जैसे आपके दोस्त कहीं घूम रहे हैं, आपका ब्रेकअप हो गया, आपके प्रेम का जीवन जो भी है, जो भी पार्ट है, वैसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, सोशल मीडिया हो गया, ये सब चीजों से थोड़ा सा सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। ये तीन स्टेप अगर आप जेन्युइनली फॉलो कर पाते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाते हैं तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन दूर नहीं है, मतलब हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, जैसा टाइम लगता है, पर हो जाएगा सिलेक्शन। अपने 12वीं भी पटना में रहे कि फिर आप ग्रेजुएशन करके भी वापस है पटना में, फिर भी आप पटना पढ़ाई की तैयारी की आपने, तो पटना में क्या डिस्ट्रैक्शन है, जिसे जैसे कि पटना में हब है हमारा बीपीएससी की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल बहुत बच्चे, तो उनके लिए क्या डिस्ट्रैक्शन है जो कि उनको उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए और जस्ट उनको फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी चाहिए? जी, दो तीन चीज़ें हैं। जैसे मेरा पटना के साथ विशेष लगाव है कि जब भी मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं होती, जैसे 9th से 10th तक अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, पर मैं 11th 12th आया, यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, तो इसलिए मैं सोच के बनारस से दिल्ली नहीं गया। अच्छा, कि दिल्ली गया भी मैं एक महीने के बीच में, पर वहाँ बहुत स्थितियाँ खराब थी, हेल्थ वगैरह खराब रहने लगी, तो मैं पटना आ गया। यहाँ दो तीन चीज़ें हैं, जैसा एक तो जो भी मुसल्लपुर हाट एरिया या उस एरिया में लोग रह रहे हैं, एक तो सैनिटेशन का इशू है, वो सारी चीज़ें जो सभी लोग को लगभग पता है। डिस्ट्रैक्शन की जहाँ तक बात रही, एक तो मोबाइल और ये सब चीज़ें जो हैं वो सभी के लिए नॉर्मल है। दूसरी चीज़ मैंने देखी है कि लोग पढ़ते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, पर करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर के साथ पता नहीं क्या ऑब्सेशन है यहाँ बिहार में, खासकर पटना में, जो लोग मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ कि लगभग अपने 4 से 5 घंटे न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स को दे दे रहे हैं, अगर 10 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो। ये गलत चीज़ है, मुझे लगता है कि आप करंट अफेयर्स को या न्यूज़पेपर को कभी भी 1.5-2 घंटे से ज़्यादा मत दें, क्योंकि प्री की ही बात करें, प्री में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 20 से 22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ जाएंगे, जिसमें से अगर आप न्यूज़पेपर डिसेंट ढंग से पढ़ते हैं तो आप 14-15 तक पहुंच जाएंगे, और जो लोग ज़्यादा मतलब इंगेज हो रहे 5-6 घंटे वो भी अगर खूब कर लेंगे तो 16-17 कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन के अंदर के लिए अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं लाइफ के अपने, मुझे लगता है कि ये वर्थ इट नहीं। और तीसरी चीज़, एक और इशू जो हाल ही में जैसे मॉक में भी हमारी बात हुई, और ज़्यादातर जो शराबबंदी के बाद जो सूखे नशे और ये सब चीज़ें चल रही हैं, प्लीज़ इससे इन सबसे खुद को बचा के रखें, पटना में खासकर बहुत चीज़ें, आप लगभग किसी भी पार्क में चले जाइए वहाँ आपको इंजेक्शन दिखेंगे, वहाँ आप लोग ये सब कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का एडिक्शन कीजिए प्लस, पर इन सब चीज़ों से खासकर सिगरेट, दारू और खासकर ड्रग्स, इन सब चीज़ों से पटना में थोड़ी सावधान होने की ज़रूरत है। ओके, अब आखिरी कुछ पड़ाव है, वो सारी बातें हम कर लेते हैं आपसे। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया इतिहास से और आज आप ऑफिसर बन गए हैं, लेकिन कभी बीच में ऐसा लगा था यार क्या मैं कुछ टेक्निकल डिग्री ले लेता या इंजीनियरिंग कर लेता, एमबीए कर लेता तो शायद मेरे लिए कुछ ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा कुछ लगता था जब आप कर रहे थे ग्रेजुएशन या फिर जस्ट ऑफिसर बनने से पहले, कुछ ऐसे विचार आए थे आपके मन में? जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र, मैं फिर से कहूँगा ये वर्ड क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि बहुत की वर्ड है, आपके पास ऐसे ऑप्शंस होते नहीं है, पर मेरा भी एक छोटा भाई है जो भी 9th में है। अच्छा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो इस फील्ड में ना आए, वो आप अगर आप मतलब टेक्निकल एजुकेशन की एक जो चीज़ है कि वो आपको गारंटी जॉब लगभग अगर आप अच्छे से ईमानदारी से कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे भी जो अभी 8th 9th लोग के बचे हैं, आने वाले 10-12 साल में उतने जो चाम है वो बच नहीं पाएगी, तो कई बार तो मुझे भी लगता था सच में कि गलती कर दी, ये कर दी, वो कर दी, और खासकर तैयारी के क्रम में तो ये खासकर लगता है, जब आप जैसे कॉलेज में जब आप होते हो तो आपके पास दोस्त होते हैं, आपके पास और लोग होते हैं, आप घूम सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पर कॉलेज के बाद जब आप फुल टाइम तैयारी में इंगेज होते हैं तो 7-8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, शाम को निकल रहे हैं, उदास हो रहे हैं, कोई बात करने को नहीं है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती है यहाँ, तो लगता तो है कई बार कि अब जैसे यूपीएससी प्री ही नहीं हुआ, उसके बाद इंसान 1 महीने परेशान रहा, ये हुआ इंटरव्यू खराब गया तो उसके बाद परेशान रहे, यहाँ इंटरव्यू खराब हुआ बीपीएससी में तो यहाँ से चला गया था बनारस 10 दिन के लिए कि कम से कम डिस्ट्रैक्शन खत्म हो, तो ये चीज़ तो आपको मुझे लगता है कि हर मतलब क्रम में हर हफ्ते लगभग आपको ये महसूस होगी कि मैं शायद गलत रास्ते पर हूँ, यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, पर वहाँ रुकिए थोड़े दिन, कीप योर पाउडर्स ड्राई, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अगर आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं तो सफलता मिलेगी, थोड़ा टाइम लग सकता है पर मिलेगी। तो ऐसा तो आपकी कहानी से भी हमें यही सीख मिलता है कि ऐसा नहीं कि सबके जीवन में सब बढ़िया ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स हैं ही सभी के लाइव एग्जाम्पल्स, एंड आज ऑफिसर भी हो गए हैं, तो अगर आप अनकम्फर्टेबल जगह में हो और अप्स एंड डाउन्स लगातार आ रहे हैं तो ऐसा मत मानो या फिर हाथ पाँव पकड़ के बैठ मत जाओ कि हमारे लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। इफ़ यू कीप वर्किंग हार्ड, हसलिंग करते रहोगे
तो कुछ ना कुछ बेटर रिजल्ट मिलेगा। बाकी एक और भी इंस्पायरिंग वीडियो के साथ लगातार मिलते रहेंगे सर के अपडेट्स के लिए, हमारे साथ बने रहिएगा। देखते रहिए पटना लाइव एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर एफर्ट।